हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसवी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो कि 29 सितंबर 2023 को है, जिसमें कक्षा 9 के जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया है वो तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये परीक्षा आपकी इंडिया लेवल पे होती है और यूपी में इसके लिए 7,000 से अधिक स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जिनमें आपको आज हम साइंस के 50 प्रश्न लाए हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस वानस्पतिक खाद्य में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है? तो ये मिलता है बच्चों सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत होती है, जिसका सूत्र होता है CO2। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ये कहते हैं लाइसोसोम को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वो क्या है? उसे कहते हैं नट। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? अक्सर हम लोग पत्तियों से देखते हैं, लेकिन ये पूरे पौधे से होती है। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो ये होता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व तो पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। अगला है, लिफ्ट में मनुष्य के वजन कब कम लगता है? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे आती है तो उस समय हमें जो है वेटलेस का अनुभव होता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघलाया? वो थे डेवी। अगला प्रश्न है, ताजे पानी का हिमांक क्या होता है, यानी जमने का? वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, स्पेसिफिक हीट? ये होती है बच्चों 1, आपने पढ़ा भी होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आपने इंद्रधनुष देखा होगा, तो उसमें बनते हैं 7 रंग। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, लाल फूल को हरे प्रकाश में रखे जाने पर कैसा दिखेगा? तो जो ये दिखता है बच्चों काला दिखता है। अगला प्रश्न है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो जो ऑप्शन हालांकि यहाँ पे नहीं है, इसमें चांदी ही जो ऑप्शन था उसमें मिला। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन है? वो है तारापुर। अगला आपका प्रश्न है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो ये मंगल है। अगला है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ये गैलीलियो ने किया था, मालूम होगा। कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? तो ईंधन को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन है। अगला है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये मोती जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये होती है तंत्रिका तंत्र, इसे आपको याद रखना है। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? ये होता है बच्चों पुष्प। अगला प्रश्न है, रात्र में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं? देखिए, पेड़ जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता? तो ये हेली पुच्छल तारा है, काफी पहले प्रश्न पूछे जाते थे। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यान को क्या प्रयोग करना पड़ता है? ये स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। भूस्थिर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनका जो आवर्तकाल होता है, एक चक्कर लगाने का समय होता है, वो होता है 24 घंटे। अगला है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? वो होती है विटामिन डी। अगला है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा, जो आप देखते होंगे थर्मामीटर वगैरह में भरा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? डियोमीटर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो ये है आपका सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न आपके सामने, घरों की विद्युत आपूर्ति जो 220 वोल्ट होती है, ये कितना वोल्टेज होता है? ये औसत वोल्टेज होता है। नेत्र में
नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाए? तो ये रेटिना जो होता है उसी का उपयोग किया जाता है। मांसपेशियों में किस एक एकत्र होने से थकान? तो थकान के लिए लैक्टिक एसिड जो है वो जिम्मेवार होता है। संसार का विशालतम स्तनधारी, तो इस समय जो दुनिया में है वो व्हेल मछली ही है। अगला है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं तपेदिक रोग। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह बच्चों बुध। अगला प्रश्न है, किस एक की खेती पौधे का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो यह है प्याज, पहले बोया जाता है उसके बाद इसको लगाया जाता है। भूड़ किसमें मिलता है? यानी भूड़ जो है वो बीजों में मिलता है, जो ये भोजन इकट्ठा करके रखता है। रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो ये कपास नहीं है, कपास एक फल है। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? दालचीनी आपने देखी होगी, बताने की बात नहीं है। पौधों में वात्पोसर्जन किसकी प्रक्रिया है? ये जल हानि की, जो पत्तियों से या अन्य भागों से जल निकलता है उसी को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और उसी समय ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिस समय ये अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट, अर्थात अपना भोजन बनाना। अगला है, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को कहते हैं रंध्र। बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, यानी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन, हालांकि पहले ही प्रश्न आ चुका है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र में केवल दो ही घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अजैविक अवयव का कौन सा तत्व है? तो यह है वायु। अगला है, स्वस्थ मनुष्य श्वसन दर प्रति मिनट, यहाँ नहीं लिखना भूल गए, तो प्रति मिनट कितना होता है? तो 1 मिनट में मनुष्य जो है 16 से 18 बार श्वसन क्रिया करता है। कुल मिला के 50 प्रश्न थे, कल मैं फिर 50 प्रश्न लेकर के आऊंगा। कुल मिला के हमारे 200 प्रश्नों की सीरीज है, आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा।